वेलकम बैक टू शोबिज डायरीज। जी तो पाकिस्तान में फहद मुस्तफा का ड्रेस आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और लोगों ने फहद मुस्तफा के ड्रेस के बारे में क्या कहा आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फहद मुस्तफा एक मशहूर एक्टर और होस्ट हैं जो रमजान के महीने में रोजाना गेम शो जी तो पाकिस्तान में नजर आते हैं। रोजाना अजीबोगरीब लिबास पहनकर आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ आप लोगों ने नोट किया होगा कि फहद मुस्तफा आजकल ज्यादा तेज कलर के कपड़े ज्यादा इंतखाब कर रहे हैं। हाल ही में फहद मुस्तफा ने एक ऐसा ड्रेस पहना जो बिल्कुल लड़कियों की तरह लग रहा था क्योंकि उसके गले पर कढ़ाई हुई भी थी और उसके साथ फहद मुस्तफा ने शॉल भी ओढ़ रखी थी। यहाँ आपको बताते चले, सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीर वायरल होने लगी तो एक नई जंग छिड़ गई। सोशल मीडिया सार्फीन ने फहद मुस्तफा पर ट्रोलिंग की ट्रेन चलाते हुए लिखा, फहद मुस्तफा का लिबास लेडीज है और इस पर होने वाली तनकीद जायज है। और कुछ लोगों ने फहद मुस्तफ़ा की लेडीज़ जैसे लिबास का खूब मजाक उड़ाया और कहा क्या ये फैशन है, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि शायद फहद मुस्तफ़ा जल्दी में अपनी अम्मी का सूट और बहन का दुपट्टा पहनकर आ गए हैं। जबकि खवातीन का कहना था कि जीतो पाकिस्तान में फहद मुस्तफ़ा के ड्रेस से हमें ईद की ख़रीदारी में बहुत मदद मिलती है। लड़कियों ने फहद मुस्तफ़ा से ज्वेलरी पहनकर प्रोग्राम करने की फरमाइश कर दी और एक सार्फिन ने तो फहद मुस्तफ़ा को बाइक पर बैठने से पहले दुपट्टा संभालने का मशवरा भी दे दिया। दोस्तों अब हम भी फहद मुस्तफ़ा को डिज़ाइनर बदलने का मशवरा देते हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, फहद मुस्तफ़ा को अपना डिज़ाइनर बदलना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।